वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन का लड्डू बिना चाशनी का। आज लड्डू बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में हम एक कप बेसन लेंगे, फिर दूसरा कप लेंगे तो 250 ग्राम बेसन हुआ तो हम 1-2 स्पून शुद्ध घी लेंगे। फ्रेंड, यहाँ पर घी और जो बेसन है उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो बेसन के जो लड्डू है बहुत टेस्टी बनता है। अब बिना चाशनी के आज हम लड्डू बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह बेसन और घी मिक्स हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मुट्ठी बना जा रहा है तो समझिए कि यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है। हम यहाँ थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब बेसन को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट गूंथेंगे, नहीं काढ़ा गूंथेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम पानी डालेंगे और उसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड, आज है गणपति बाबा का पूजा है तो आज हम गणपति बाबा का आज लड्डू शुद्ध घी में हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम आटा गूंथ लिए हैं तो अच्छी तरह गूंथ लिए हैं, उसको हम छोटे छोटे लोइया बनाएंगे। और यहाँ पर सभी जो बेसन हम पीरी बना लेंगे, मुट्ठी जैसे बनाते हैं उसी तरह हम बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह सब बन चुका है। तो चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है तो उसमें ऑयल डाल दिए हैं। तो एक एक करके हम पीरी को हम डालेंगे तो गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करके उसके बाद में हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर गैस कम कर दिए हैं और इसलिए कि गैस थोड़ा ब्राउन करना है, कुरकुरे करना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ तो इधर उधर हम पलट करेंगे तो हम पलट कर देते हैं। थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो गया है, यहाँ पर ब्राउन हो गया है तो अब एक प्लेट में हम निकालते जाएंगे सारा। हम मुट्ठी वाला जो टिक्की है उसको हम निकाल देंगे। अब फिर उसी तरह हम दूसरा हम पीरी को हम डालेंगे, गैस का फ्लेम कम करके रखेंगे तो इसका जो लड्डू बनता है बहुत टेस्टी बनता है। आप दीपावली में, होली में, गणपति में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुट्ठी जो है ठंडा हो चुका है तब इसको हम चूर कर लेंगे, सभी को हम चूर कर लेंगे और ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। फ्रेंड, यहाँ पर मिक्सी जार लिया है तो हम जो चूर किए हैं वह थोड़े थोड़े करके हम डालेंगे। अब अच्छी तरह उसको हम एकदम बारीक पीस लेंगे, तो यहाँ ढक्कन लगाकर हम पीस लेंगे। तो यहाँ एक प्लेट में उसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर हम 1 कप चीनी डालेंगे, आप चीनी को बुरादा भी डाल सकते हैं। तो मैं चीनी को हम पीस कर डालेंगे तो यहाँ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, यह मिक्स हो जाने के बाद में हम इलायची पाउडर डालेंगे, उसके बाद में काजू किशमिश को हम कट कर लिए हैं, अच्छी तरह उसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा तो घी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर घी नहीं डालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी के जगह में आप दूध डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह उसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मिक्स हो गया है तो हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं। अब उसको लड्डू को थोड़ा हिला हिला कर उसको चिकना कर लीजिए। अब एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, फिर उसी तरह हम लड्डू लेंगे, बेसन का चूरा लेंगे और उसको मुट्ठी बांध कर उसको गोल बना लेंगे। आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। अब उसको क्या करेंगे कि अब गोल गोल उसको हम चिकना कर लेंगे तो अच्छी तरह चिकना हो जाए। अब एक हम प्लेट में हम निकालते जाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पर लड्डू तैयार हो गया है, आप एक प्लेट में सर्व कर सकते हैं। तो आप जो लड्डू बनाए हैं आप दीपावली में, होली में, गणपति गणेश चतुर्थी में बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक लड्डू तोड़ कर हम दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लड्डू तोड़ कर दिखा रहे हैं, देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो बनाइए, आप ही बनाइए,
रेसिपी देकर आप बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाएगा, बहुत आसान है बनाना।